कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश उबाल पर है। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में भी लोग आतंकियों की इस घिनौनी कार्रवाई से मर्माहत हैं। इस विषय पर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कोई दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है तो कोई पाकिस्तान को भारतीय नदियों से दी जाने वाली पानी को बंद करने की अपील कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में रह रहे पाकिस्तान समर्थकों का सफाया जरूरी है, तो कुछ लोग भारत की जमीन पर रहकर अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों की इस मामले पर उनके विचार। के एक आतंकी संगठन ने अटैक किया, उसमें हमारे 39 जवानों की जो मौत हुई है, ये भारत के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। अब समय आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को सबक सिखाएं और उनका मुंह तोड़ जवाब दें। सर्जिकल स्ट्राइक 2 की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ हो रही आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है और हमें इतना दुख है उन सैनिकों के जाने का जो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते थे, उनके उन परिवारों का, उन बच्चियों का, उन बच्चों का क्या होगा, ये सोच के भी बहुत दुख हो रहा है। सरकार इन सैनिकों का बदला पाकिस्तान से जरूर ले और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। अगर आपकी जो हाफिज सईद है उसको कम से कम मार गिराने का काम भारत सरकार करे, जैसा कि अमेरिका ने वहां पर आतंकवादी जो छिपे रहते पाकिस्तान में उसको मारने का काम किया था, इसी तरह मैं नरेंद्र मोदी से एक आग्रह करूंगा कि मजूर अक्सर अहमद जो वहां पर है उसको उन्होंने किसी भी तरह से मार गिराने का काम करें ताकि देश को न्याय मिल सके। देखिए, ये पाकिस्तान की हरकत हमेशा से रही है, लेकिन इसका कभी भी माकूल जवाब नहीं मिला है। लेकिन अगर अब समय आ गया है कि जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए हैं और उनकी हरकत बाज नहीं आ रही है, तो अब सरकार को इसमें सही कदम उठाना चाहिए। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके विश्व के क्रम इसके हिसाब से भी देखना होगा, लेकिन विश्व के सभी लोगों ने आतंकवाद को हमेशा से नकारा है। अब समय आ गया है कि इसको सही जवाब देना चाहिए, वरना इसकी हरकत बराबर ऐसी ही होती रहेगी। इससे देश का नुकसान तो होता ही है, लोगों का मनोबल भी डूबता है, लोगों के दिल में गुस्सा है कि सरकार क्यों नहीं कदम उठाती है। लेकिन उचित कदम उठाना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए ताकि भविष्य के लिए ये ठीक रहे। बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि गंदी राजनीति और अपनी कायरता का पहचान बना चुके पाकिस्तान, कल एक फिर कायराना हरकत किया। अब तो हम लोग अपने प्रधानमंत्री से, पूरे देशवासियों का ये उबाल है और डिमांड है कि उसको इतना जल्द, मतलब उसको आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या जिस तरह से चाहे उसको पनिशमेंट दें, ताकि जो भी हमारे कल जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को भाव में श्रद्धांजलि मिले, शांति मिले। यही पूरे देश का एक और, मतलब एक और पूरी जोशो जवाश और जुनून के साथ एक और सर्जिकल स्ट्राइक पूरे हिंदुस्तान को चाहिए। ये तो बहुत ही घटिया किस्म का ये कार्रवाई है और हम इसकी निंदा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है कि पाकिस्तान को जो हमारे नदियों से पानी मिलता है और वो फलता फूलता है, वो पानी देना बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार को इस मामले में कठोर होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ही सुरक्षा बलों के घेरे में रहकर और हमारे देश के प्रति जो देश विरोधी गतिविधि चलाते हैं, अलगाववाद का राग अलापते हैं, तो उन्हें सुरक्षा देना अब बंद कर देना चाहिए ताकि उनकी खेती भी बंद हो और वे भी अगर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। एक अच्छा निर्णय भारत सरकार ने आज लिया है कि उनके साथ जो व्यापारिक समझौते हुए थे वो बंद कर दिए गए हैं, इसलिए ठोस कार्यवाही की जरूरत है।